बहन भाइयों के साथ कैसे चलना है, ये तालीम थोड़े बताए, ये तो मेरा नबी बताए। मेरे नबी के दर से ये ख़जाना मिलता है कि आप एक अच्छे इंसान नज़र आओ। ये ख़जाना दर मुस्तफ़ा से मिलता है और कहीं से नहीं मिलता। अरब में बेटियों को जिंदा दफन किया जाता था। मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 3 बेटियाँ दीं उसने उनको डोली में बिठाया तो जन्नत में यूं हो जाएगा। सुभाना, यानी ये मैं हूँ और ये मेरा उम्मती, 3 बेटियाँ। अल्लाह एक सहाबी का भला करे, कहने का या रसूल अल्लाह जो 3 ना हो 2 हों, का कोई नहीं, जो 2 को डोली बिठाएगा वो भी ऐसे ही होगा। एक का अल्लाह भला करे, कहने का या रसूल अल्लाह 1 ही हो, अगर काम ही कोई ना हो। फिर आपने कहा जो 1 को डोली में बिठाएगा वो भी जन्नत में यूं हो जाएगा। 10 बेटों की शादी करो, 10 बेटों की शादी करो, 10 बेटों की शादी करो, अजर है, जन्नत का वादा कोई नहीं। 1 बेटी को डोली में बिठा दो तो मेरा नबी कहता है जन्नत नहीं, यूं हो जाएगा। ये जिंदगी कौन सिखाएगा? मेरा नबी सिखाए। हमारे तो पूरे मुल्क में बेटियों के लिए विरासत में कोई हिस्सा नहीं, सब कुछ भाई खा जाते हैं। और हमारे जमींदारों में बड़ा जुल्म है, नौकरानियों से जेली अंगूठे लगवा के ज़मीन पे कब्जा, और वो बहनें भी इतनी सब्र वाली हैं, वो चुप करके सह जाती हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोलती। कभी कभी कहीं कोई आवाज़ सुनने को मिलती है कि कोई केस कूस करवा लिए, वरना वो बेचारी सब्र से कड़वा घोंट पी के चली जाती हैं। मेरे नबी ने बेटियों की विरासत रखी, मेरे रब ने बेटियों की विरासत रखी, और विरासत ना देना बेटी को बहन को ये इतनी बड़ी चोरी है जितना किसी घर में जाके चोरी करना, किसी बैंक में जाके डाका डालना। मैंने जिन उस्ताद मोहतरम से कुरान पढ़ा, तफसीर पढ़ी, मैं उनके पास शहद की बोतल लेकर गया। वो 10 रुपए की शहद की बोतल आती थी, लेकिन मेरे तो 10 पैसे भी नहीं लगे थे, अपना जो मेरे आमों का बाग था उसे उतरवा के ले गए। कहा उस्ताद जी आपके लिए शहद लाया हूं। कहां से लाए हो? मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है, मेरे वालदैन जिंदा थे उस वक्त। मैंने कहा जी मेरे अपने बाग का है। अब मेरे उस्ताद का सवाल सुनना। फरमाने लगे तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था, यानी जो मेरे दादा की ज़मीन बनती है उसमें मेरे बाप और बहनें और मेरे बाप और उनकी बहनें, ये मेरी फूफियाँ, अगर मेरे बाप ने ज़मीन में से हिस्सा दिया है तो ये बोतल का शहद हलाल है, और अगर नहीं दिया है तो ये हराम है, मैं नहीं लूँगा। ये था सवाल का मंशा। मुझसे फरमाने लगे तेरे बाप ने अपनी बहनों को हिस्सा दिया था। मैंने कहा जी अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बाप की बहन ही कोई नहीं। शुक्र इसलिए मैंने कहा कि होती तो कोई ना देते, रिवाज नहीं था। कहने लगे अच्छा तेरे दादा ने अपनी बहनों को हिस्सा दिया था। मैं कहा जो हुजूर में हाल उसे जमया ही कोई ना हो, मैनू नहीं पता देता है कि नहीं देता, मेरे जमण तो बाद दे सवाल करो, मेरे जमण तो पहले देना करो। ये शरीयत बेटियों को ये हक देती है, बहनों को ये हक देती है। जिसने 2 बेटियों को डोली में बैठाया जन्नत वाजिब, जिसकी बेटियाँ कोई नहीं, बेटी नहीं हुई कुदरत, जैसे मेरा यानी मेरे जो दादा थे उनके कोई बेटे, 2 भाई थे सिर्फ, मेरा बाप और मेरा ताया, बस 2 भाई थे, सारी विरासत उनकी थी कि, लेकिन अल्लाह ने दो बेटियाँ नहीं दी, 2 बहनें दे दी। उसने अपनी बहनों को बेटियों की तरह पाला और शादी की और डोली में बिठाया, और जो बाप की तरफ से हक बनता है उनके घर पहुँचाया, तो मेरा नबी ने फरमाया कि जन्नत में दाखिल हो गया, वो जन्नत में दाखिल हो गया।